मेरा सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका भाई राम कुमार और आपका अपना चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। किसान भाई, आज आप देख रहे हैं कुकुम्बर फार्म अर्थात खीरा की खेती। यदि वीडियो में पहला बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो में खेती बाड़ी संबंधित जानकारी आपको देता रहूँ। और वीडियो को मिस ना कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार भाई, मैं शैलेश कुमार पांडे, आप सभी को नमस्कार। मैं अंकुर कंपनी से हूँ। आप ये जो खीरा लगाए हैं, अंकुर कंपनी का लगाए हैं ना, इस खीरा का क्या नाम है? ये अंकुर कंपनी का नलिनी खीरा है। तो ये खीरा फड़ने में कैसा है? बहुत ही अच्छा उपज है और इसका उपज इतना अच्छा है कि हमको तोड़ने के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा। मतलब डेली प्रतिदिन हम लोग तोड़ रहे हैं लेकिन उस प्रकार से हम लोग उठा नहीं पा रहे। मतलब एक तरफ से मतलब फल से जा रहा है, एक तरफ से उठाने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है, इतना फल ज्यादा लग रहा है। तो इस वेरायटी से आप अंकुर के नलिनी खीरा की वेरायटी से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। जर्मिनेशन में पूरा जर्मिनेशन पूरा 100% था। बस ये धागा नीचे चल गया इसका वजन के चलते। इसके नीचे आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा कीड़ा सब लगा हुआ है, कैरी नहीं कर पा रहे हैं, सब फिर नीचे चले जा रहे हैं। हाँ, कीड़ा देखिए लगा है। और तोड़ाई कितने दिन पहले तोड़ाई हुआ है? पर डे तोड़ाई हो रहा है खीरे का। और खीरे में एकदम बढ़िया फल में कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं फल में, न कोई शिकायत है, न इसके जर्मिनेशन में शिकायत है। ठीक है, हर जगह देखिए फल लगा है, बच्चा भी लिया है इसका। प्रतिदिन हमको खीरा निकलता है। तो इसमें खीरा में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो अंकुर कंपनी का खीरा के अलावा लौकी भी आता है, कोहरा भी आता है, बरबट्टी भी आता है। तो आप किस किस चीज का खेती करते हैं? अभी जैसे कि अंकुर का वेजिटेबल में मेरे पास कोहरा लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। उसका अपना वो लगा हुआ है, भिंडी लगा हुआ है। तो वेजिटेबल 3-4 प्रकार का लगा हुआ है हमारे खेत में, जो कि बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन है और साथ में उसका उपज भी बहुत अच्छा है। तो सब्जी के साथ साथ भी हमारे कंपनी का धान आता है, हाइब्रिड धान और रिसर्च धान आता है, तो उसको भी आप क्या लगाना चाहेंगे? वेजिटेबल में जैसा इसका प्रोसेस है बहुत ही अच्छा है इसका रिजल्ट, तो धान तो लगाना तो अनिवार्य बनता ही है। तो आप क्या इस कंपनी के बारे में और लोगों को बताएंगे? हाँ, बताना चाहूँगा। ये अंकुर कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे आने वाला जो पेड़ है, ये कोई भी किसान अगर लगाता है तो बहुत ही अच्छा उपज मिलेगा और किसान का आर्थिक स्थिति भी सुधार होगा। तो ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अंकुर कंपनी की सारी वेरायटी, सारा प्रोडक्ट अच्छा है। तो आप यूज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक आध दो मीटिंग आप ऑर्गेनाइज कराइए, लोगों को बताइए। तो मैं आऊँगा, इनको खेती बाड़ी से संबंधित, दवा से संबंधित और जो भी चीज़ का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, चाहे दवा डालना है, खाद कितना डालना है, कितने दिन में रोपा लगाना है, हर चीज़ के बारे में आप सबको मैं जागरूक करता रहूँगा, बताता रहूँगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए और बताइएगा। और एक चैनल मैं बनाया हूँ एग्रीकल्चर के नाम से यूट्यूब पर, तो इसको आप देखा करिए। इसमें मैं अपने जानकारी से जो भी एग्रीकल्चर का चीज है उसमें दवा के बारे में, खाद के बारे में, बीटल गार्ड के बारे में, ठीक ना, या खीरा का, या करेले का, मेरे कंपनी का करिश्मा करेला आता है नंबर एक का, उसका उसके बारे में वीडियो बनाया हूँ, धान के बारे में वीडियो बनाया हूँ, ठीक ना। तो उसको आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और उसको शेयर भी करिए, ठीक ना, जिससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचेगा तो उनको जानकारी मिलेगी। और आप भी थोड़ा बताइए लोगों को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।